हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स में। नीति आयोग के द्वारा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किया गया है। नाम है इसका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि कौन सा स्टेट या फिर यूटी जो है वो कितना तैयार है एक्सपोर्ट के मामले में, यानी कितना वो निर्यात कर रहा है। इसके लिए एक नीति आयोग जो है वो अलग से इंडेक्स जारी करने लगा है। तीसरा एडिशन है यह इंडेक्स का। और तमिलनाडु की बात करें तो इस बार तमिलनाडु जो है वो पहले पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे तमिलनाडु है। अगर हम बात करें यूपीएससी एग्जाम्स के लिए तो देखिए पेपर थ्री जो होता है वहाँ पे इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं और इकोनॉमी नहीं समझ में आता है, खासकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लेकर, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये समझना कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट पर फोकस करती है या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से क्या लाभहानियाँ होती हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस इंडेक्स के बारे में। पहली बात तो ये कि नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इस इंडेक्स के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कौन जारी करता है, और 2023 चल रहा है लेकिन यह जारी किया गया 2022 के लिए, और 2022 का पूरे साल का देखा गया कि कौन सा स्टेट यूटी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया उस साल में, उसी के आधार पर इसको जारी किया गया है सारा कैलकुलेशन करने के बाद। इसके अलावा देखिए इंडिया का टोटल जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है उसको भी इसके माध्यम से मेजर कर पाया जाना काफ़ी आसान हो जाता है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर से क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, उससे कितना एक्सपोर्ट किया गया। इसके अलावा सर्विस सेक्टर जो है वहाँ से कितना एक्सपोर्ट किया गया, इन सभी का हमने जायज़ा लिया इस नीति आयोग के रिपोर्ट के माध्यम से। मेजर क्या किया जाता है यहाँ पे, स्टेट और यूटी दोनों को यहाँ पे ऐड किया जाता है कि कौन सा स्टेट और यूटी किस मामले में आगे हैं। इसके अलावा अलग अलग भी जो इंडेक्स है वो बनाया जाता है, जैसे कि पहाड़ी स्टेट के क्या इंडेक्स हैं, उनको उनमें कौन सा स्टेट जो है वो आगे चल रहा है, इन सभी को इसमें ऐड किया जाता है। और देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इकॉनमी के लिए, और एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा मेजर होता है। अगर चाइना की बात करें हम, तो चाइना को आपने देखा होगा कितने बड़े स्तर पर वह एक्सपोर्ट करता है सामानों का, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विस हो। तो सर्विस के मामले में तो थोड़ा पीछे है, लेकिन गुड्स की बात करें तो चाइना बहुत ज़्यादा आगे है हमारे, अगर पूरे दुनिया के देशों के बारे में देखें। पिलर्स की बात करें तो कितने पिलर्स इसमें शामिल होते हैं, ये यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन कौन से इस जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के पिलर्स हैं, तो पहला पिलर जो है वो पॉलिसी, यानी कि किस प्रकार से जो भी स्टेट या यूटी है वो किस प्रकार से पॉलिसीज बनाती हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेकर, वो इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा बिजनेस इकोसिस्टम वहाँ पे किस प्रकार से है, स्टार्टअप्स को कितना महत्व दिया जा रहा है, स्टैंडअप्स के माध्यम से महिलाओं या फिर जो SC ST समुदाय है या फिर MSME जो हैं उनको कितना महत्व दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम वहाँ पे किस प्रकार का है, यानी कि जो ऐसे कि अगर आप कोई नया स्टार्टअप या फिर नया बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपको अगर गवर्नमेंट की सहायता लेनी पड़ रही है अपने फर्म को रजिस्टर करने के लिए, तो वहाँ पे कितना आसानी से आप किसी फर्म को रजिस्टर कर पाते हैं, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप स्टेबल कर पाते हैं कहीं पे भी, तो ये इसमें मेजर किया जाता है इस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में। और वहाँ से किस प्रकार से इन यूनिट्स के माध्यम से उन वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर पाते हैं, यानी कि आपके पास लॉजिस्टिक उपलब्ध है या नहीं, यानी कि अगर सामान बन जा रहा है तो ट्रक उपलब्ध हो पा रहा है या फिर नहीं, या फिर रेल से अगर भेजना है तो रेल है कि नहीं, या फिर पानी का जहाज़ है अगर मान लीजिए, तो पानी के जहाज़ के माध्यम से आप उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट में उनका किस प्रकार से परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे मेजर किया जाता है। इसके अलावा कुछ सब पिलर्स भी हैं, उनमें देखिए क्या होता है कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पॉलिसी उनका कैसा है, प्रमोशन पॉलिसी माफ़ करिएगा, यानी कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ अलग से इंतजाम कर रहे हैं या नहीं, जैसे कि SEZ जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये सब स्थापित किया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाए जा रहे हैं या नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि आप देखेंगे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम से बेकार है, तो वहाँ से आप सोचिए कि बिहार से कुछ एक्सपोर्ट हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल से
एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की तुलना करें उससे तो महाराष्ट्र उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे होगा, चाहे रोड हो या फिर रेल हो या फिर पानी के जहाज़ जो हैं या फिर एयर कनेक्टिविटी जो है, वो सारे यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको अच्छे तरीके से मौजूद मिलेंगे। आगे बात करें हम यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स की, तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु जो है वो पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जबकि तीसरे स्थान पर आता है आपका कर्नाटक। और ईपीआई 2021 की बात करें तो यहाँ पे पुश कर दिया गया था इसको, और गुजरात जो था वो 2021 में पहले नंबर पे था। तमिलनाडु की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी कि टोटल कितने कीमत का हमने एक्सपोर्ट किया है सामानों का। इसके अलावा एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन या फिर ग्लोबल मार्केट फुटप्रिंट ये किस प्रकार से है, यानी उनका कितना पहुँच है विदेश के बाज़ारों तक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पहुँच गया पहले स्थान पर। इसके अलावा इट हैज़ बीन कंसिस्टेंट लीडर इन सेक्टर लाइक ऑटोमेटिव सेक्टर, लेदर सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं, इन सभी सेक्टर्स में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। आपको याद होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा प्रमोट वो काम कर रहा है। इसके अलावा ऑटोमोटिव बात करें तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो गाड़ियां बनाती हैं वो यहां पे लगाई जा रही हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा ईवी के सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में भी तमिलनाडु बहुत सारे लोगों का पहला प्रीफरेंस रह रहा है। हिली स्टेट की बात करें जो कि यानी कि अगर हम बात करें कि जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें कौन सा राज्य अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उत्तराखंड जो है वो पहले पोजीशन पे था। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड जो है वो पहले पोजीशन पे था, दूसरे नंबर पे था हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर का नंबर आता है, फिर त्रिपुरा, उसके बाद सिक्किम में। अब देखिए मणिपुर में लगातार से हिंसा हो रही है तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, यानी कि अगले साल निश्चित ही मणिपुर का जो रैंकिंग है वो नीचे आ जाएगा। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी इसमें नंबर आया उसके बाद। अब लैंडलॉक्ड रीजन की बात करें हम तो लैंडलॉक्ड रीजन में हरियाणा जो है वो टॉप पे हैं। अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो बहुत सारे लॉजिस्टिक सेंटर यहाँ पे हैं जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है सामानों का। तो देखिए लैंडलॉक होने के बावजूद यहाँ पे देखिए जो ट्रेनों की व्यवस्था है ना वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से देखिए महाराष्ट्र हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, यहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होती है हरियाणा से। लगातार से ट्रेनें चलाई जाती हैं और एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से वस्तुओं का। इसके बाद नंबर आता है तेलंगाना का, उसके बाद आता है नंबर उत्तर प्रदेश का। देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद अब इसमें थोड़ा पीछे रह जाता है, यही कारण है लैंडलॉक होने का। अगर यूपी लैंडलॉक नहीं होता तो निश्चित ही इसका रैंकिंग जो होता है वो अच्छा खासा हो सकता था। उसके बाद नंबर आता है पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान का। अब यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे बिहार का नंबर नहीं आता, बिहार में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरे तरीके से फेल है, जिसके वजह से बिहार यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हम गोवा को देखते हैं, गोवा आया है पहले नंबर पर, जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर उसके बाद नंबर आता है, जबकि दिल्ली का नंबर तीसरे स्थान पर है। दिल्ली देखिए बहुत ही बढ़िया रीजन है, और यहाँ पे अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो अच्छा प्रोड्यूसर है दिल्ली, लेकिन हम एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर वस्तुएं ऐसी हैं यहाँ पे दिल्ली में जो कि लोकल लेवल पर यूज होने वाली हैं, तो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करता दिल्ली। आगे ग्लोबल इकॉनमी की बात करें तो देखिए ग्लोबल इकॉनमी जो है वो कोविड-19 के बाद से ही काफ़ी प्रभावित रही, लेकिन फैक्टर्स लाइक इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ गुड यानी कि वस्तुओं की कीमतों में मांग में लगातार वृद्धि हुई, और फिस्कल पॉलिसी या फिर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी चीज़ें लगातार से हुई। हमारे भारत से भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट हुआ, इसके वजह से क्या हुआ कि 27% इंक्रीज इन मर्चेंटाइज ट्रेड, तो ट्रेड के मामले में हमने देखा 27% वृद्धि। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट लिया गया था कि 2022 में हम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे, वो हमने एक्सीड किया, यानी कि उससे भी ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया, और $422 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया मात्र 2022 में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट था हमारे लिए जिसको हमने अचीव भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन इंडिया एक्सपोर्ट इन 2021-22 क्रॉस्ड $675 बिलियन, ठीक है,
इन विथ ट्रेड इन गुड्स काउंटिंग 400 बिलियन। तो ध्यान रखिएगा 420 बिलियन ये जो था वो ट्रेड किया गया हमने, यानी कि वस्तुओं का हमने एक्सपोर्ट किया, जबकि अब इसमें सर्विस सेक्टर को भी मिला लिया जाए तो 675 मिलियन यानी कि 255 बिलियन डॉलर का हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। इसके अलावा देखिए रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी यहाँ पे चीज़ें काफ़ी प्रभावित हुई, लाइक ग्रेन्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित किया 2021 में, वो था एक तो देखिए कोविड-19, उसके बाद ये रूस और यूक्रेन का युद्ध, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट को प्रभावित भी किए हैं। अब आगे देखिए की लर्निंग्स क्या हैं इस EPI के, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है उसके क्या की लर्निंग्स हैं, यानी कि क्या हम उससे सीख सकते हैं। तो कोस्टल स्टेट्स की बात की जा रही है यहाँ पे कि कोस्टल स्टेट्स ने क्या किया। तो टॉप 10 जो स्टेट थे उसमें से 6 जो थे, यानी कि 6/10, तो इनमें से 6 स्टेट जो थे वो थे कोस्टल स्टेट, यानी कि जो समुद्र से लगते हैं। इनका नाम क्या है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो ये सारे स्टेट थे जो कि कोस्टल स्टेट थे। इसके अलावा अगर हम बात करें ए पॉजिटिव स्टोरी ऑफ मल्टीपल स्टेट अडॉप्टिंग नेसेसरी पॉलिसी मेजरिंग ड्राइव एक्सपोर्ट एंड देयर स्टेट्स, तो बहुत ज़्यादा जो स्टेट हैं वो मेनली फोकस कर रहे थे कि एक्सपोर्ट वाली वस्तुएं क्या हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो 73% डिस्ट्रिक्ट जो हैं कंट्री के, और इसके अलावा 99% जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में शामिल कर लिए गए। ये देखिए इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम था, इसके पहले यूपी ने ये स्कीम लॉन्च किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्लान अच्छा लगा तो उसने भी अडॉप्ट किया, और भारत के लगभग 99% जो स्टेट्स हैं उनको कवर कर लिया गया है इस स्कीम के माध्यम से। आगे देखिए स्टेट हैव लैग्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, जिनके पास देखिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं थी उनमें काफ़ी समस्या हम देखने को पाए हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द रीजन, यानी कि जो वस्तुओं का इधर से उधर ले जाना और ले आना होता है वो काफ़ी यहाँ पे उनके लिए समस्याएं उत्पन्न किया है। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट काफ़ी कम है हमारे देश में, ये हम सभी लोग जानते हैं, और एक्सपोर्ट से संबंधित इनोवेशन हमारे देश में काफ़ी कम किया जाता है, तो ये सब चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है फिलहाल। इसके अलावा देखिए 26 स्टेट इन द कंट्री रजिस्टर्ड अ डिक्रीज इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 26 स्टेट जो हैं वहाँ पे हम कमी देखने को पाते हैं। इसके अलावा 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हम FDI का फ्लो जो है पहले की अपेक्षा कम देखने को पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल देश में हो रही हैं। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 25 ऑफ 36 स्टेट है ऑर्गेनाइज लेस दैन 10 वर्कशॉप अक्रॉस द ईयर, तो ये जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी लगातार से प्रभाव पड़ रहा है लोगों को। इसके अलावा रिकमेंडेशन की बात करें तो कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए हैं कि अडॉप्शन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, यानी कि स्टेट जो हैं वो लगातार अच्छे काम करें जिससे उनका एक्सपोर्ट बढ़े। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए जिससे कि अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध हो पाएँ। डेडिकेटेड रिसर्च करना ज़रूरी हो गया है, और फंडिंग कैन हेल्प स्टेट इम्प्रूव देयर एक्सपोर्ट, तो स्टेट को फंडिंग भी उपलब्ध कराना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। लिवरेजिंग ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट, जो GI टैग वाले जो वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा GI टैग प्राप्त हो सके जिससे वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस कर पाएँ। अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कांचीपुरम सिल्क साड़ी ये जो होती है उस पर फोकस करना है, तो तमिलनाडु हैव नो कंपटीशन अक्रॉस द कंट्री, तो तमिलनाडु ने खूब सारा एक्सपोर्ट किया है इस वस्तु का। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट पे भी फोकस करें कि कहाँ पे हमको एक्सपोर्ट करना है, किस देश में डिमांड ज़्यादा है किस वस्तु का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हमारे लिए। सो अभी के लिए इतना है इस रिपोर्ट में, और इस इंडेक्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।